हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपीरियंस किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोलों की बिरयानी, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज 2 अदद, छोले 1 पाव उबले हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर, ज़ीरा, 8 से 10 हरी मिर्चें, 2 टमाटर, और ये दही में हमने जायफल, जावित्री, नमक, लाल मिर्च, गर्म मसाला, ये सब पीस के हमने इसका ये पेस्ट बना लिया, और इसको दही चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्याज को मैं ये फ्राई करूँगी, इसमें मैंने जो तेल गरम करने रख दिया था उसमें डालूँगी। ठीक है, ये प्याज हमारी फ्राई हो रही है, 1 मिनट लगेगा हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा। ये देखें, हल्की सी साइडों से गोल्डन होने लग गई है, तभी थोड़ी सी और ब्राउन होगी, तो उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी, थोड़ा और होने देंगे इसको। ये देखें, अब ये होने लग गई है, अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। अच्छा, मैंने तेज़पात और बाटी की जो सुनी डाली कि मैंने चावल जो बॉयल करके रखे हुए हैं उसमें वो पहले से डली हुई। ओके, अब इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट के साथ ही मैं डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। और 1 से 2 मिनट इसको भूनने दूँगा। देखें, ये भून रहा है, टमाटर अभी अपना पानी छोड़ेगा। उसके बाद मैं डालूँगी ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, दही में मैंने डाली थी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और आलू बुखारा। आलू बुखारा मैंने पानी में भिगो रखा था, तो उसका भी इसमें पेस्ट दे देंगे, और सारा गरम मसाला रखें। ओके, ये पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर के साथ, मिक्स कर दूँ। ये देखें, मैंने डाला था, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। चिकन पाउडर जो मैंने कहा था 1 खाने का चम्मच, वो डालूँगी। अभी थोड़ा सा हो जाएगा, इसमें अब मैं डाल दूँगी, जैसे इसमें एक बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसमें डाल दूँगी छोले। छोले मेरे 85% जो है वो कुक्ड हैं, तो 10% जो है वो इसमें पक जाएंगे और 5% जो है वो दम में गलेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनने देती हूँ। ये देखें, ये हमारा मसाला ये हो गया। ये अब हम इसमें डाल देंगे छोले। छोले डाल के इसको हम भूनेंगे। छोले इसमें डन हो जाएंगे, पानी नहीं डालेंगे हम, बस इसी में होंगे छोले। और जैसे हमारे छोले हो जाएंगे, हम इसमें चावलों की तह लगाएंगे। ये देखें, तेल साइडों में आने लग गया है, अब हम इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे 5 से 6 मिनट। ये देखें, ये छोलों का हो गया है ग्रेवी। अब हम इसमें 2-3 मिनट और इसको पकने देंगे, फिर हम इसमें चावल डालेंगे। अब ये हमारा हो गया है। ओके, अब मैं इसकी आँच बिल्कुल हल्की कर दूँगी, बिल्कुल सुबह, और अब मैं इसमें चावल की तह लगाऊँगी। सिर्फ 1 तह के चावल होंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह, मैं लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, 1 तह के ये हमने चावल डाल दिए, इसमें जर्दे का रंग ऊपर से डाल दिया, थोड़ा सा पुदीना हमारे पास सूखा हुआ, मैं सुखा के रखती हूँ, मैंने थोड़ा वो डाल दिया। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मैंने केवड़ा ऐसे डाल दिया। और अब मैं उसको कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ दम पे लगा दूँगी बस। ये देखें, ये बिरयानी में हो गया,
ये अब हमारी बिरयानी रेडी है, मगर मैं इसको 5 से 10 मिनट और इसको छोड़ दूँगी। ये हमारे चावल रेडी हैं। ये देखो, ओहो देखो, अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा है। ये देखिए आप, ये हमारी बिरयानी रेडी है। आप कलर भी देख सकते हैं, मसाले भी देख सकते हैं, चावल भी देख सकते हैं, सब अलग अलग खिले खिले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के लिए जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।